अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। यह है लेक्चर 5, और लेक्चर 5 के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास है जी GU, ठीक है, चाइनीज वर्ड है जी यू, मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, गू, ठीक है। अगर इसके साथ आई लग गया तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, गू ई, ठीक है, जी वाई गू ई, गू ई, ई नहीं, एग्जैक्ट ई नहीं कहना, गू ई, गू ई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुई, गुई यानी ऑनरेबल, एक्सपेंसिव, कीमती, इज्जत माब, ठीक है, जो इज्जत के काबिल हो चीजें, कीमती हो हमारे लिए, उन्हें हम कैसे क्या कहते हैं, गुई, चाइनीज के अंदर क्या कहेंगे, गुई, ठीक है। उसके बाद है जी, ये देखिए नीचे हमारे पास एक्स आई एन, एक्स को मैंने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर भी कि इसको हम शीन से प्रोनाउंस करेंगे, यानी एक्स शीन बोला जाता है चाइनीज के अंदर, तो यानी एक्स आई एन शिन। अगर इसके साथ हम जी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शिंग, एक्स आई एन जी, शिंग, और इसका मतलब क्या है, लास्ट नेम। और चाइनीज के अंदर असल में जो लास्ट नेम होता है, जो सर नेम होता है, वो कास्ट होती है, आपकी जो जात होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो जात है जी, राजपूत, जट, मलिक, तो इस तरह जो जो जातें हैं हमारी, जो हमें विरासत पे मिलती हैं, तो हमारे खानदान को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे चाइनीज के अंदर शिंग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लास्ट नेम ज्यादातर वालिद का जो नाम होता है, फादर नेम जो होता है, उसको लास्ट नेम माना जाता है, लेकिन चाइना के अंदर चाइनीज जो है वो शिंग यानी लास्ट नेम से मुराद कास्ट को लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने दो वर्ड देखे, गुई यानी रिस्पेक्टेबल, एक्सपेंसिव, ऑनरेबल, नोबल, और शिंग यानी लास्ट नेम या कास्ट, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास, ये देखें अब हम इनका यूज देखते हैं। तो अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी जात क्या है, तो हम क्या के उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको हम क्या कह देंगे, आपकी जो नोबल या अजीम या इज्जत वाली जात क्या है, हम इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, योर ऑनरेबल कास्ट, ठीक है, हम कैसे पूछेंगे, योर ऑनरेबल कास्ट। तो इसकी चाइनीज क्या है, नी गुई शिंग, नी यानी आपकी, गुई यानी ऑनरेबल, नोबल, शिंग यानी कास्ट, जात, ठीक है, आपकी ऑनरेबल जात क्या है, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे जी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसके लास्ट में माँ क्यों नहीं है, माँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगता क्वेश्चन है लेकिन हकीकत में क्वेश्चन नहीं है, हम ऐसे पूछते ना आपकी जात, ठीक है, हम ये नहीं कहते आपकी जात क्या है, कुछ इस तरह नहीं, हम जस्ट इसमें इतना कह रहे हैं आपकी जात, आपकी ऑनरेबल जात, ठीक है, क्या है, इस तरह चीजें नहीं हमने लगाई, इसलिए हमने यहाँ पे माँ भी नहीं लगाया। तो इसी तरह इंग्लिश में भी यही चीज है, योर ऑनरेबल कास्ट, देखें लास्ट पे सवालिया निशान नहीं आया, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो ये देखें मैंने नीचे बताया कि नी गुई शिंग मा, यानी ये इट इज रॉन्ग, ये गलत है, मतलब कि माँ नहीं आएगा, असल सेंटेंस क्या है, नी गुई शिंग। तो आपको पता है कि चाइनीज के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के अंदर ही उसके आंसर छुपे होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वा शिंग, मेरी जात, ठीक है। अब आप कहेंगे जी वा गुई शिंग क्यों नहीं कहा, वा गुई शिंग इसलिए नहीं कहा क्योंकि कोई अपनी इज्जत थोड़ी करता है, तारीफ थोड़ी करता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मेरी काबिल इज्जत जात, ये तो एक गलत हो जाएगा ना कि कोई बंदा अपनी तारीफ थोड़ी करता है, इसलिए हम बस इतना कहेंगे वा शिंग मेरी जात, राजपूत राजपूत है, वाशिंग राजपूत, या जिसकी जो भी जात है वो यहाँ पे लगा सकता है, वाशिंग कोई भी कास्ट, ठीक है। अब ये देखिए नीचे मैंने बताया वा गुई शिंग राजपूत, यानी गुई लगा दिया है तो इट इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, ठीक है। आपने जस्ट कितना करना है, वाशिंग राजपूत या वाशिंग जो भी आपकी जात है, ठीक है, नी गुई शिंग, गुई और शिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आई थिंक, हाँ ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशंस, जो कि इस वीडियो का, इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। रिलेशन यानी हमारे जो मुख्तलिफ तरह के रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, यानी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, अंकल है, आंटी है, चचा है, ठीक है,
नाना नानी दादा दादी ये सारे जो है हमारे रिलेशंस हैं, तो हम देखते हैं कि चाइनीज के अंदर इन रिलेशंस को क्या कहा जाता है, किस तरह से पुकारा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जी फर्स्ट है पापा। चाइनीज के अंदर मैं आपको बता दूं कि बी जो होता है वो पी के तरह प्रोनाउंस किया जाता है, यानी पी बोला जाता है, पे बोला जाता है, यानी ये बी ए मतलब पा पापा, ठीक है, जिस तरह हम इंग्लिश में भी कहते हैं पापा, तो चाइनीज में भी ये सेम है पापा, लेकिन लिखने में बी ए बी ए, इसका मतलब है फादर यानी अबू, पापा पापा, ठीक है। उसके बाद मामा, एम ए मामा, मदर सेम जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं इसी तरह मामा, ठीक है, मामा मामा मीन मदर या अम्मी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है जी ये देखे, सबसे पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि जी ई, जी ई को हमने कैसे बोलना है, ग, ठीक है, जी ई ग ग ग, ठीक है। अगर ग को दो बार बोला जाए यानी ग ग, तो इसका मतलब हो जाएगा एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, ठीक है, ग ग ग ग ग ग, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए मैंने पहले बताया कि डी आई को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, ती, डी को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एज आ ते या, ठीक है, तो डी आई ती, टी नहीं इसको कहना, ती ती, ठीक है, ते वाला ती। तो अगर इसको हम दो बार बोल देंगे तो ती ती, इसका मतलब हो जाएगा यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, ती 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 ती, यंगर ब्रदर छोटा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स, आपको पता है हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह, शीन की तरह, ठीक है, श, तो एक्स आई ओ एन जी क्या बन जाएगा, श्योंग 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 श्योंग, ठीक है, श्योंग। और डी आई पीछे भी देखा है ती, तो अगर हम इसको इकट्ठा कर दें श्योंग ती, ठीक है, श्योंग ती, इसका मतलब है ब्रदर यानी भाई, ठीक है, श्योंग ती श्योंग ती श्योंग ती, भाई, ठीक है, ब्रदर। उसके बाद है जी ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट, पहले मैं आपको ये ऊपर बता दूंगी क्या है, अगर हम जे को हमें पता है हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं चाइनीज में, चे के तौर पर, ठीक है, जे यानी चे, तो जे आई ए मतलब इसका क्या है, इसको हम जे भी पढ़ सकते हैं और चे भी, चे ज्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, तो चे, ठीक है, जे आई ई चे, जे आई ई चे। और इसी तरह एम आई एम ए आई, इसको हम कैसे बोलेंगे चाइनीज में, मे, ठीक है, मे मे, ऊपर वाला चे नीचे वाला मे, ठीक है, अगर हम इकट्ठे बोल दें तो क्या बन जाएगा, चे मे, अगर हम दोनों को इकट्ठा बोले तो क्या बनेगा, चे मे, और हम इसे जे मे भी कह सकते हैं, लेकिन चे मे जो है वो ज्यादा सूटेबल है, चे मे, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टर यानी बहन, क्या है वर्ड, चे मे चे मे, जे आई ई चे, एम ए आई मे, चे मे सिस्टर, ओके। उसके बाद आज नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम दोनों को यानी भाई भाई की क्या चाइनीज थी, श्योंग ती, और बहन की चे मे, श्योंग ती चे मे, तो इसका मतलब हो जाएगा सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग यानी आप बताते हैं कि आप जस्ट इतना बता देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे दो बहन भाई हैं, मिसाल के तौर पर मेरे दो बहन भाई हैं, ठीक है, मैं जस्ट इतना कह दूंगा आई हैव टू सिबलिंग्स, यानी कि मैं बस इतना कह दूंगा कि आई हैव टू सिबलिंग्स, मेरे दो बहन सिबलिंग्स, तो इससे जाहिर हो जाएगा कि मेरे दो बहन भाई हैं, तो इससे ये नहीं पता चलता सिबलिंग से कि आपके जो बहन भाई हैं उनमें कितनी बहनें हैं या कितने भाई हैं, जैसे इतना आइडिया हो जाता है कि इसके अलावा भी इसके इतने बहन भाई हैं, ठीक है वो, ओके। तो श्योंग ती चे में सिबलिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखें
जे आई हमने पहले देखा है, इसको हम चे भी कह सकते हैं और जे भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ें जे आई ई जे आई ई दोनों को दो बार पढ़ें इसको, तो ये क्या बन जाएगा, चे चे। ठीक है, जे आई ई हमने देखा पीछे चे, तो अगर दो बार इसको पढ़ेंगे क्या बन जाएगा, चे चे। तो इसका मतलब है एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। ठीक है, चे 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 चे, बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर। उसके बाद ये हमने पहले भी देखा है कि एम ए आई यानी मे, अगर मे को ट्वाइस बोला जाए, दो बार बोला जाए, तो क्या बनेगा, मे 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 मे, और इसका मतलब है यंगर सिस्टर, छोटी बहन। ठीक है, मे 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 मे, छोटी बहन, यंगर सिस्टर। उसके बाद है जी, ये देखें सबसे पहले ये ऊपर आए आप लेफ्ट साइड में देखें एस एच यू शू, ये चाइनीज वर्ड है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जिस तरह हम बोलते हैं जूते को इंग्लिश में शू, एक जूते को कैसे बोलते हैं, शू, एस एच यू शू। अगर इसको ट्वाइस बोला जाए, दो बार इकट्ठा बोला जाए, तो क्या बनेगा, ये शू 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 शू, इसका मतलब क्या है, अंकल। ठीक है, शू शू यानी अंकल, शू 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 शू। उसके बाद है जी, ये देखिए हमारे पास ए वाई आई, इतना बड़ा ये वर्ड है, तीन लफ्जों से मिलकर बना है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, आई। ठीक है, ए वाई आई आई आई, जिस तरह इंग्लिश का वर्ड है आई। ठीक है, आई, और इसका मतलब है आंटी, आई मीन आंटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें वाई ई को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये। ठीक है, जिस तरह के हमने सिंगल ये का मतलब आपको पता है कि आल्सो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है, तो इसी तरह वाई ई ये, इसको दो बार ये को बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ग्रैंडफादर, ये मीन ग्रैंडफादर। ठीक है, दादा। उसके बाद है जी हमारे पास एन ए आई नाए नाए, तो अगर इसको दो बार बोला जाए, नाए 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 नाए, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर, नाए 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 नाए, यानी ग्रैंड मदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये देखें चाइनीज के अंदर पी को हम एज अ फ, फे के तौर पर यूज करते हैं, यानी पी ई फ फ, अगर पी ई एन जी हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं फंग। ठीक है, फंग कैसे बोलेंगे इसको, फंग, और वाई ओ यू को कैसे बोलते हैं, यो। ठीक है, हम कहते हैं यो यो मैन। ठीक है, उस तरह यो, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, फंग यो, क्या बनेगा, फंग यो फंग यो, और इसका मतलब क्या है, फ्रेंड यानी दोस्त, फंग यो, कैसे, फंग यो दोस्त। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये डी आई हमने देखा, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ती, और आर ई एन है हमारे पास एक चाइनीज वर्ड, इसको कैसे बोलेंगे, रन, जिस तरह हम कहते हैं दौड़ लगाना, रन, तो अगर इन दोनों इकट्ठा कर दिया जाए यानी ती रन, ती रन, डी आई यानी ती, आर ई एन रन, डी आई ती, आर ई एन रन, ती रन, ती रन, इसका मतलब है एनिमी, दुश्मन, एनिमी दुश्मन, ती रन, ती रन, एनिमी दुश्मन। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जो मुख्तलिफ तरह के रिलेशंस थे उनको चाइनीज में किस तरह कॉल किया जाता है, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आपको ये याद हो जाएगा, और मैं बार बार इसको रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको यहां पर ही इसकी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।